आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर से इतने दूर से आजकल के राजधानी में आए, आपका स्वागत है लखनऊ में राजधानी। और शिक्षक संघ से लगातार संघर्षरत विभिन्न शिक्षक गण, आपके नेतृत्व करता अमरेंद्र जी, विजय जी, मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अनुशासन के साथ बहुत सतत संघर्ष किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं आदरणीय सदस्यों, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी के आने का सुनकर और क्या कहते हैं आप लोगों का सुनकर काफ़ी क्या कहते हैं इसमें प्रगति हुई है। और कल ही शाम को, परसों शाम को हम लोगों ने प्रमुख सचिव जो मतलब जो एसीएस बेसिक शिक्षा है, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उनसे एक मीटिंग कराई गई थी। उससे बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बृहद कमेटी बनाई है जिसमें प्रमुख सचिव मुख्य नियुक्ति महोदय हैं, और इसमें एक मीटिंग कॉल करके एक कमेटी बना दी गई है जो पूरे विषय को बहुत गहराई से अध्ययन करके उसमें क्या कहते हैं अपनी सिफारिश करने वाली है, जिसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई सार्थक परिणाम साथ में सामने आएंगे। और मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं आपको मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक तरीके से सतत आपने संघर्ष किया है, अध्यक्ष जी आपकी भीम पार्टी ने जिस तरह से अनुशासन का परिचय दिया है, निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कभी कभी समय लगता है, कभी कभी समय लगता है, लेकिन ये चीज़ तय है कि जो जो परिणाम आते हैं वो सार्थक और लंबे होते हैं। और मेरा निवेदन यही है और मेरा आग्रह आपसे ये है कि मैं एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए गवर्नमेंट का प्रतिनिधि मान लीजिए या एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए, आपका बड़ा भाई मान लीजिए, कि एक बड़े भाई की हैसियत से मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस तरह से आपने डेमोक्रेटिक तरीके से आज तक किया है, हमने आपका सहयोग किया है, आपने मेरा सहयोग किया है, हमने प्रदेश को ये दिखाया है, देश को ये दिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से भी चीज़ों को मांगी जा सकती हैं और निश्चित रूप से सार्थक परिणाम बहुत जल्दी ही आपके सामने, चूँकि अंतिम फेज में सब चीज़ें हैं। ये कमेटी सीधे हाईएस्ट लेवल पे बनाई गई है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट में सबसे बड़ा लेवल होता है देखिए, उस लेवल पे बनाई गई है, निश्चित रूप से कोई ना कोई सार्थक परिणाम आएगा। आज जो आपने इतना बड़ा धर्म प्रदर्शन किया है, इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी ही निकट भविष्य में दिखाई देगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और मैं अपने शिक्षक साथियों को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से अगर वो इसी तरह हमारे साथ अनुशासन के साथ रहेंगे, आपको पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है और आप लोगों पर मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कोई सार्थक परिणाम आगे निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।